नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार और आप देख रहे हैं स्टूडेंट ऑफ आर्ट। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जीएस के मॉक टेस्ट की, जो कि 3 जनवरी को रोजगार प्लान के लिए एप्लीकेशन हुआ था, जो कि आपको मेरा स्कोर जो है स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको यहाँ चलते हुए। इसमें मैंने जो है 18-19 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे, जिसमें से 2 क्वेश्चन गलत हो गए और 17 क्वेश्चन ठीक हैं, और 1 अनअटैम्प्ट किया था, जो अनअटैम्प्ट भी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। और यहाँ पर जो गलत हुए हैं क्वेश्चन वो मैं आपको दिखा दूँ, वो गलत जो क्वेश्चन हुआ है ना वो आपको यहाँ पे देखो, एक क्वेश्चन मेरा ये गलत हुआ था, चांदी वाला है ना ये यार, इसमें तो ये समझ लो तो काफ़ी मारा था लेकिन गलत लगा। और ये भारत रत्न, मतलब ऐसे कौन से व्यक्ति थे जिन्हें भारत के ना होने पर भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, ऐसा कुछ क्वेश्चन था ये। और आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन गलत हो गया मेरा भी। और आपका क्या इसको था, आप चीज़ ऐसे जरूर बताइएगा। देखो लेबर की मैं बात करूँ, लेवल तो इजी था क्योंकि क्वेश्चन आपने भी दिए होंगे और मॉक टेस्ट दिया होगा, लेवल कोई ज़्यादा दम था नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन पूछे हुए थे। जैसे 2011 की जनगणना के अनुसार पहला ही क्वेश्चन यही था कि किस केंद्र शासित प्रदेश या राज्य में घन जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक था, ये क्वेश्चन पूछा था, जो कि दिल्ली था, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था ये वाला। और ऐसी बातें क्वेश्चन थे, जैसे बथुकम्मा आ गया, बथुकम्मा नाम सुनते ना आपको पहले ही ऑप्शन दिख गया वो तेलंगाना है ना, तो इन क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम तो लगने वाला, 2-2 सेकंड के भी सवाल नहीं थे ये, बथुकम्मा पड़ गई आपने तेलंगाना चॉइस कर लिया होगा। और जैसे एक था महापरिनिर्वाण भद्रा कुशीनगर, सिंपल सी क्वेश्चन था बिल्कुल भी है, बहुत क्वेश्चन ऐसे थे बिल्कुल इजी वे में थे इसमें। और मैं तो लेवल को तो मैं बिल्कुल इजी बोलूँगा, क्योंकि इसमें 1 या 2 क्वेश्चन जो थे जो एक बार पता ना हो, जैसे ये मृगनयनी महल कहाँ पे है, भाई मुझे तो पता नहीं था, आपको पता होगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। और जैसे मृगनयनी महल से बताऊँ, मैंने आंसर खुला था वो उसमें आपका ग्वालियर क्या है पता नहीं यार, आप बता दीजिए, मैंने देखा नहीं, तो कमेंट में जरूर बताना इस क्वेश्चन को, और आपका लेवल क्या था आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। और जी एस के लिए मैं आपको बता दूँ, एक बार क्वेश्चन पढ़ के आपको क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, आप क्वेश्चन पढ़ लिया आपने यार मुझसे तो आता ही नहीं है ये क्वेश्चन, नहीं आपको बेसक नहीं आता, एक बार को ऑप्शन भी देख लीजिएगा, क्योंकि होता क्या है कि जो क्वेश्चन हमसे पूछा होता है एक बार हमें उसका आंसर नहीं पता होता है, लेकिन जो ऑप्शन दिए होते हैं उनके बारे में हमें नॉलेज होती है, ऐसा हो जाता है। क्योंकि मेरे साथ भी 2-3-4 क्वेश्चन में ऐसा हुआ था और बिल्कुल मेरे क्वेश्चन वो ठीक गए हैं, तो आप भी एक बार इस चीज़ को चेक कर लीजिएगा, क्योंकि पता क्या है कि जो ऑप्शन होते हैं ना हमें उस चीज़ के बारे में नॉलेज हो जाती है ना, तो उस चीज़ से हम रिलेट करके सही आंसर पकड़ लेते हैं। अब कुछ नहीं तो 50-50 तो पहुँच ही जाते हैं, अगर 50-50 में आप लगाए तो वो तो कम से कम 2 ऑप्शन तो काट सकते हैं, तो ऐसे कर सकते हैं, तो आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। बात करते हैं SSC CHSL की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन द्वारा प्रकाशित की गई है, बुक है जो अपने नए एग्जाम व नए पैटर्न पर आधारित है। यह बुक SSC CHSL छात्रों के लिए बेस्ट कारगर साबित हुई है, आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है।